नमस्कार साथियों, देव हनी के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम आपको एक अपने नए शहद के बारे में, किन फूलों से वो आता है, कहाँ से वो कलेक्ट होता है, उसके क्या बेनिफिट हैं, ये आपको बताना चाहेंगे। आज हम आपको जो अपने नए शहद के बारे में बता रहे हैं वो है नीम के फूलों का शहद। नीम के फूलों का शहद प्योर नीम के फूलों का नहीं होता, इसमें कुछ मिक्सिंग होती है, क्योंकि बिल्कुल उस टाइम जब नीम के फूल खिलते हैं तो उस में नीम के पौधों की तो मात्रा ज़्यादा होती है, पर लेकिन कुछ और भी पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर। ये ज़्यादातर छत्तीसगढ़, आपका राजस्थान, ठीक है जी, और आपका एक तरह से MP, कुछ इलाके, कुछ स्टेट हैं जहाँ पर अब भी नीम के पौधे ज़्यादा हैं, तो वहाँ से ये कलेक्ट किया जाता है। नीम के शहद का बेनिफिट क्या है? नीम के शहद डायबिटीज पेशेंट खा सकते हैं। नीम को एक तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। नीम की जो फल निम्बोलियाँ जिन्हें बोलते हैं वो भी आप खा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये शहद इसका जो है ये कलेक्ट किया जाता है इन स्टेट से, और इसके बेनिफिट क्या हैं वो भी हमने इसके ऊपर लिखा है। अब हमने क्या किया है, कुछ कस्टमर की हमारे पास दोबारा डिमांड थी कि जो बेनिफिट हैं 2-4 बेनिफिट वो स्टिकर के ऊपर भी लगाए जाए, तो इसलिए हमने ये अलग से इसके ऊपर मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है। इसी के ऊपर हमारा यूट्यूब चैनल है, साइट है, आप ऑनलाइन इसके ऊपर से भी ऑर्डर दे सकते हो। और ये थोड़ा इसकी जो प्रोडक्शन है, जिसकी जो निकलता है ये शहद, थोड़ा कम मात्रा में निकलता है, इसलिए इसका रेट हमें मिलता भी ज़्यादा है और इसका रेट हमें रखना भी ज़्यादा पड़ता है। आप इसको हमारे ऑनलाइन, आप व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनल पे, किसी भी प्रकार से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो और आप इसे प्राप्त कर सकते हो। इसके जो बेनिफिट हैं वो ज़्यादातर 40+ को मैं इसको बोलता हूँ कि 40+ इसको नीम का शहद को ले सकते हैं। इसके जो बेनिफिट हैं वो इसके ऊपर भी लिखे हुए हैं, और जैसे आप इसका इस्तेमाल जैसे शुगर है उसकी जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। और नीम के यानी कि आप जैसे सर्दियों में है काली मिर्च वगैरह, अदरक वगैरह उसमें मिला के आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। और ये जो शहद है, नीम का जो शहद है, इन शहद सभी सही हैं, सभी अच्छे हैं, पर लेकिन नीम का थोड़ा बहुत ही अच्छा शहद है, पर लेकिन बच्चे इसको कम खाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये बड़े लोग ही खाते हैं, क्योंकि इसका कसैलेपन पे होता है थोड़ा, ये मिठेपन पे नहीं होता, कसैलेपन पे होता है, ठीक है सर। तो इसलिए आज आपको हम सिर्फ नीम के शहद के बारे में ही बताया, और ये कहाँ से होता है, कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, ये आपको जानकारी मिली नीम के फूलों से। प्लस इसमें और भी फूल मिक्स होते हैं, ये प्योर बिल्कुल मैं आपको कहूँगा कि नीम का नहीं होता, क्योंकि इसमें नीम के फूलों की नेक्टर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, उससे संबंधित वैरायटी की, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू।